विपक्ष की अभूतपूर्व एकता और ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों के बीच नूरपुर और कैराना के नतीजे भी आ गए और नतीजे बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती लेकर आए हैं। पहली चुनौती जहां एकजुट हुए विपक्ष से निपटने की, वहीं दूसरी चुनौती है एनडीए के साथियों को अपने साथ लेकर चलने की। उन्होंने ये अहंकारी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारा कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प तो ऊपर वाला निकालता है। ऊपर वाले ने विकल्प निकाल दिया, सब साथ मिलके चलेंगे और इनको धूल चटाएंगे इंशाल्लाह 2019। मैं अगले आने वाले 2019 के चुनाव को गारंटी से कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया। गोरखपुर और फूलपुर के बाद कैराना और नूरपुर, पहले पूरब और अब पश्चिम, एक एक कर बीजेपी ने अपनी 3 लोकसभा सीटें और 1 विधानसभा सीट गंवा दी है, वो भी तब जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। हालांकि बीजेपी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि ये नतीजे 2019 की छलांग है। उधर गृहमंत्री राजनाथ सिंह कहना है कि अगर लंबी छलांग लगानी है तो 2 कदम पीछे आना ही पड़ता है। मैं मानता हूं कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और जो उपचुनाव होते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। उपचुनाव में स्थानीय जो समीकरण है, चाहे वो जाति हो, चाहे सांप्रदायिक हो, और चाहे विपक्ष के विभिन्न प्रकार के बटे हुए विपक्ष का एक समन्वित प्रयास हो, वो सारा मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उपचुनाव में जनता की मानसिकता का भी अंतर देखने में आता है। लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, आगे लंबी छलांग लगाएंगे। इन उपचुनावों को 2019 का ट्रेलर माना जा रहा था। ट्रेलर के हिसाब से फिल्म का आकलन करें तो इसमें महागठबंधन बीजेपी के लिए खलनायक साबित होता दिख रहा है, क्योंकि नतीजों के बाद जिस तरह से गठबंधन के नेताओं के बयान आ रहे हैं वो बताते हैं कि विपक्षी दल समझ गए हैं कि बीजेपी को हराना है तो साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो नफरत का रथ एक चालू हुआ था और जिस क्षेत्र से एक एक देश की राजनीति बदली थी, मुझे लगता है वो रथ हमने रोकने का काम किया। जो देश के असल मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, वे बाकी सब विषयों पर हावी रहे। जिन्ना हारा दंगा हारा गन्ना जीता। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सभी वाम दलों का सहयोग मिला था, साथ ही साथ कांग्रेस महान दल निषाद पार्टी और पीस पार्टी का भी सहयोग मिला, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि दोनों सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल हुई है। मैं ये कह सकता हूं ये सामाजिक सद्भाव की जीत है। इससे भी ज्यादा चिंता इस बात की कि एनडीए के घटक दल भी नतीजों के बाद बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी को अब सहयोगियों की जरूरत नहीं रही, तो जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान में भी नाराजगी साफ छलक रही है। गैर भाजपाई दलों की निरंतर बढ़ती हुई निकटता और एनडीए का पूर्ण तौर पर संगठित ना होना, पेट्रोल की डीजल की बढ़ी हुई कीमतें, ये मुख्य कारण हैं कि हम लोगों को झटका लगा। भले ही बीजेपी गठबंधन पर कितने ही सवाल उठा ले, लेकिन लाख टके की बात तो ये है कि महागठबंधन बीजेपी के लिए किसी सुनामी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सीटों के हारने की नहीं है बल्कि उस गठबंधन की जीत की है जिसमें तमाम मतभेदों के बावजूद धुर विरोधी दलों ने मिलकर बीजेपी को परास्त करने की ठान ली है। तो क्या एनडीए के टूटते तिलस्मी बंधन के बीच महागठबंधन रिवर्स सुनामी बनकर लौटा है? अगर हाँ, तो क्या मोदी लहर में अब भी उतना उफान बाकी है जो इस सुनामी को बेअसर कर सके? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो चुनाव जीतने के लिए होते हैं और जीत हार ही यहां पर किसी गठबंधन का या किसी दल का भविष्य तय करती है। तो जहां इस गठबंधन को लेकर बीजेपी की तरफ से बयान आए कि जब बाढ़ आती है, जब खतरा आता है तो सांप ले ले और तमाम तरह की उपमाएं दी गई, ये सब एक साथ हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पर बात यही है कि यही साथ बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा आपने देखा जो एनडीए के घटक दल है वो भी नाराज है। तो क्या जो सपना यहां पर देख रही है बीजेपी की 2019 को भी जोरदार तरीके से फतह करेंगे, क्या उसका सपना यहां पर टूटता हुआ नजर
आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं 2019 तक जो गठबंधन आपस में जुड़े हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ है कह सकते हैं, सबके अपने अपने हित जुड़े हैं, ये गठबंधन 2019 तक चल पाएगा? और अगर चल गया तो वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आज जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अलावा जो बाकी राज्यों में चुनाव हुए, जो नतीजे आए हैं, तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या अभी बीजेपी यही कहेगी कि उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है, या कहीं ना कहीं 2019 के पहले की एक झलक इन नतीजों में नजर आती है? तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे आज की हमारी चर्चा में। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, ओंकार नाथ सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। सत्यपाल चौधरी बीएसपी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा लखनऊ से हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजपाल जी। अशोक सिन्हा जी जो संघ विचारक हैं लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ स्टूडियो से, प्रमोद जी आपका भी स्वागत है। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं विनोद सोनकर, बीजेपी के सांसद हैं। विनोद जी स्वागत है। तो शुरुआत आपसे ही, ये नतीजे क्या कहते हैं, कितनी बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन बीजेपी के लिए है? जी देखिए, ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ठीक है। निश्चित रूप से रिजल्ट आया है, तो ये रिजल्ट बहुत सारी बातें कह रहा है। अगर एक तरफ हम कहीं हार रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी हमारी नागालैंड और मुंबई में जीत भी रही है। लेकिन कभी भी कोई उपचुनाव किसी सरकार की समीक्षा नहीं हो सकती। ये लोकल स्तर का चुनाव है, क्योंकि इन चुनाव से न देश का पीएम न प्रदेश का सीएम तय होता है। नहीं विनोद जी, लेकिन ये बताइए वो ठीक है, लोगों से जरूर किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन कौन सी कसर थी जो आपने छोड़ दी? मुख्यमंत्री आपके कहराना में गए, आपके ठीक है, मंत्री आपके कहराना में गए और आरोप लगा कि आपने जानबूझकर चुनाव से एक पहले बागपत में आपने रैली करा दी। कौन सी कसर छूट गई जो अब 2019 में पूरा करेंगे आप? देखिए ऐसा है, 10 सेकंड हमको दे दे तो मैं अपनी बात कह लूं। बिल्कुल बोलिए जी, हमको अपनी बात कहने दीजिए। सवाल तो विपक्ष से किया जाना चाहिए कि जब चुनाव ये हारती है तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करती है, क्या आप ये ईवीएम पे सवाल नहीं करेंगे क्या? एक विषय। दूसरा विषय ये है कि क्या विपक्ष विचारधारा की राजनीति बंद कर दिया है? इनकी केवल एक ही नीति है कि भाजपा को रोको। जो लोग या तो देश के सामने ये एक माफी मांग लें कि हम अब विचारधारा की राजनीति करना बंद कर दिए हैं, अब हमारी केवल एक ही नीति है कि बीजेपी को रोकना, तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए राजपाल जी, तो क्या अब वो लोकतंत्र जिसका यहाँ पर कत्ल किया जा रहा था मतदान के दिन, आज वो फिर जी उठा है? देखिए, हम लोगों ने सदैव कहा है जी, बिल्कुल सर, मशीन कभी भी गड़बड़ हो सकती है। प्रीति जी नहीं, आपने धांधली कही, वो तो हम कह रहे थे कि तकनीकी खराबी क्यों नहीं मान ले रहे हैं, आपने कहा धांधली है और आप कहते हैं कि गुजरात से कपड़े नहीं सूरत से सरकारें भी बनती हैं। अच्छा प्रीति जी, ये धांधली नहीं थी क्या? फिर जो रिपोर्ट हुआ उसमें मशीनें क्यों नहीं खराब हुई? और एक हजारों मशीनें खराब हुई और 124 बूथों पे तो रिपोल कराना पड़ा, तो अगर मशीन इतनी अच्छी थी और हजारों लोग लग के लाइन में चले गए वापस, दोबारा वोट नहीं डालने आए, और कई जगह मशीनें सही हो गई, कई जगह खराब ही नहीं, और जहां बिल्कुल नहीं चली है, चार चार पांच पांच बदलने के बाद में भी नहीं चली है, तब ये वहां रिपोल किया गया। मैं तो कराना में चुनाव में था, प्रभारी था, मुझे तो सारी चीजें पता, हम तो महीने भर से लगातार लगे हुए थे, और नहीं तो ये जीत का अंतर और ज्यादा होता। हम चाहते निष्पक्ष चुनाव जब तक, देखिए दूसरी बात, निष्पक्ष चुनाव जब अमेरिका जैसे देश भी सब बैलेट से, अभी भी निर्वाचन आयोग के कार्यप्रणाली से और उसकी निष्पक्षता पे इनको भरोसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए हमें सब पे भरोसा, अब तो जनता का भरोसा उठ रहा है आपसे, बीजेपी से जनता का भरोसा उठ रहा, सरकार से जनता का भरोसा उठ रहा। देखिए और ठीक है, ऐसा है, आप मामूली चीज बता रहे हैं, जनता का पूरा भरोसा मोदी और बीजेपी के साथ। ठीक है, ठीक है राजपाल, क्यों उप मुख्यमंत्री जी हार रहे, क्यों कैराना हार रहे, क्यों नूरपुर हार रहे,
और देश में जहाँ भी बाई इलेक्शन हो रहा है वहाँ हार रहे हो। लेकिन क्या राजपाल जी इसलिए तो नहीं जीत गए क्योंकि अखिलेश यादव गए ही नहीं, अगर जाते तो शायद हार जाते। नहीं प्रीति जी देखिए, ये तो माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही पर्याप्त हो गए इनको हराने के नहीं लिए। तो जवाब देना पड़ता ना, जिन दंगों की आप बात करते हैं जवाब मांगा जाता है आपसे, तो आप समझ गए और खुद ही नहीं गए वहाँ। नहीं ऐसा नहीं देखिए, हमारे पूरी पार्टी के नेता लगे रहे, प्रभारी लगे रहे, सारे लोग हम लोग वही लगे रहे और जनता इनको जान चुकी। वो सूची कहाँ है जो पलायन कर गए थे, कितने लोगों को बसाया, पलायन की सूची तो विपक्ष में भी आते थे। आज इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है। राजपाल जी एक बात का जवाब और दे दीजिए, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे चुनाव उपचुनाव आप जीत रहे थे और 2017 का चुनाव आया तो आपका पूरा सूपड़ा साफ हो गया। इससे साफ जाहिर है कि उपचुनाव किसी प्रदेश का मैंडेट नहीं हो सकता। ठीक है, उनका नाम जी, आप ऐसा है विनोद जी ये भी मैंडेट नहीं हो सकता। आम चुनाव आप जीत जाओ फिर आप पेटेंट करा लोगे, बीजेपी की भी हैसियत जानते, 500 वोट 5,000 वोट ठीक है। क्या अब ये फॉर्मूला हो गया है, या तो हम जीते या फिर ईवीएम खराब है? जी ओंकारनाथ जी देखिए, जब ईवीएम पे लोगों की शिकायत आनी जवाब दे तो बेहतर होगा। ईवीएम पे जब शिकायत आनी शुरू हो गई है तो वो अच्छी हो चाहे बुरी, चुनाव आयोग का पहला कर्तव्य ये होता है कि वो सबको विश्वास मिले कि ईवीएम में कोई शिकायत नहीं है, और अगर नहीं कन्विंस कर पाता है तो फिर चुनाव को दूसरे माध्यम से कराना ही उचित होगा। यही असली जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता साबित होगी। अब वैसे तो भाई वो सुपर पावर है, जो चाहे वो करें, उसमें आरोप तो लगेंगे। अगर मान लीजिए कहीं कोई गलतियां होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 बूथ जो है वो खराब हो जाए ईवीएम, तो प्रश्न तो उठेगा नहीं, वो एक अलग बात। हाँ, वो लेकिन आज जो चुनाव हुआ स्तर पर गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आप तो ये आरोप लगा रहे थे कि आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज जो फैसला आया है इस पर भारतीय जनता पार्टी को मनन करना चाहिए। उनका अपना है, ना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है, नहीं करेंगे तो हमको और फायदा ही होगा। ठीक है, 11 उपचुनाव हुए और 11 उपचुनाव में जो है वो एक ये जीते हैं और 4 कांग्रेस जीती है, 6 दूसरे जीते हैं, दूसरी पार्टियां जीती हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए, अगर ये समझते कि पैमाना नहीं है तो इनकी अच्छाई। तो आपको कितना सोचना चाहिए उनका नाम, ये सोचिए कि आप तो इस स्थिति में भी नहीं है कि अपना उम्मीदवार अकेले खड़ा कर लेते आप वहाँ। सुन लीजिए, जब हमने एक रणनीति बनाई कि हम इनको क्या कहते हैं साझा उम्मीदवार देंगे, हमारी रणनीति फायदा यहाँ पर तो फिर आप जितने खुश हो रहे हैं, कितनी भूमिका आपकी है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की वजह से जीते हैं, अखिलेश यादव की वजह से जीते हैं, जयंत चौधरी की वजह से? हम पूरे देश के परिपेक्ष में देख रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ाया लेकिन देश में हमने 4 सीटें लड़ाई, हमारे 4 जीते, 3 प्रदेश 40,000 से हम कर्नाटक में जीते, हम मेघालय में जीते, हम आसाम में जीते, तो हम तो जीते हैं, हम कोई हारे थोड़ी हैं। जो ये परेशानी की बात है, हम इनको ये बताना चाहते हैं इस प्रदेश में जो ये चुनाव हारे हैं ये गन्ना की वजह से हारे हैं। जनवरी से उन्होंने गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं किया, जब पेमेंट नहीं किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने बगल के जिले में जाके सड़क पर चले भी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। जिसको अगर ये गलतियां करते जाएंगे तो हारेंगे ही। ये खाए आपका वोट परसेंटेज बढ़ गया या कुछ हो गया, इससे कुछ भी होने वाला है। उतरते मैदान में आप तो निगोशिएशन की स्थिति में भी नहीं है वहाँ के, आप अपना उम्मीदवार उतारेंगे? हम 0 है। आपने हमको बुलाया तो कुछ सोच के तो बुलाया होगा, नहीं या तो ये कह रहे हैं कि आप तो सत्ता में, आप जो सत्ता में है, तो विपक्ष में है, प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई आपकी, हमें नहीं, तो भी अगर आप समझते हैं कि आप प्रासंगिकता तो बुला रही थी, हम चले जाते हैं, क्योंकि जो सच्चाई क्या उसको नहीं कहें। हकीकत ये है कि हारे हैं, हकीकत ये है बीजेपी हारी, और हकीकत ये भी है कि कांग्रेस अकेले बूते लड़ने के लिए अभी डर रही है। ये डर रही है, क्या डर रही है? आपकी बात मान लेते तो ठीक है, आपकी बात लेते बोलिए, आप जिसमें खुश रहिए, आप जिसमें खुश रहिए, हम नहीं, हमें खुश मत करिए, जनता को खुश करिए, जनता को खुश करिए, ठीक है? जनता ने आदेश दिया साझा उम्मीदवार लाओ, हमला जी
सत्यपाल जी, अब उसमें हमारी नहीं औकात है, तो नहीं औकात है। ठीक है सत्यपाल जी, तो किसकी जीत है यहाँ पर, जबकि आप लोग प्रत्यक्ष तौर पर सामने नजर नहीं आए रूपुर और कैराना? कम से कम कांग्रेस ने मान लिया। यस माय डियर, ठीक है, एकदम मान लिया विनोद जी, आप इसी में खुश रहिए, हम आपको 2019 में एकदम हराएंगे। बिल्कुल सत्यपाल जी, सत्यपाल जी हम बाहर रह के भी हराएंगे आपको। ठीक है सत्यपाल जी, चलिए मान लिया हमने बाहर, लेकिन आप हारो। पहली बात तो ये है कि जो विनोद जी बोल रहे हैं, ठीक है विनोद जी एक मिनट, पहली बात तो ये जो विनोद जी बोल रहे हैं मैंडेट की बात, लेकिन मैंडेट की बात नहीं है। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, विनोद जी आप सुन रहे हैं, यही जो अति उत्साह है आपका, आपको जवाब नुकसान पहुंचा रहा है, आप की हारने का भी हार नहीं मान रहे हैं, आपका चुनाव अगर आपसे डर रहा होता तो शायद आपको दे दिया होता। ठीक है क्या भाई, इन जिताओ, वहाँ पर डिप्टी सीएम थे, सीएम थे, 58 सांसद थे, 20 मंत्री थे, पूरी फौज थी भारतीय जनता पार्टी की, और खुद प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन करके 9 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करके रोड शो करके मैं चुनावी भाषण देने पहुंचे थे भाषण जाट में, उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से, दलितों के समर्थन से, क्योंकि नुक्कड़ में पड़ता है सब्जीपुरा जहाँ पे इन्होंने कत्लेआम किया और जाति की उनके साथ दलितों के साथ में, वहाँ से पूरा मैसेज गया बहुजन समाज पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हुआ। ये बताइए बीएसपी की भूमिका कितनी है, क्योंकि खुलकर तो आप यहाँ सामने आए नहीं, जो फूलपुर में आप वहाँ पर नजर आए थे गोरखपुर में, बीएसपी की साफ स्ट्रेटेजी है बहन जी ने, साफ स्ट्रेटेजी, वहाँ राज्यसभा सीट थी इसलिए नहीं, वहाँ हम उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं लड़ाते हैं, जो भाजपा को हराएगा उसका समर्थन करने का हम लोगों ने वही कहा कि प्रत्यक्ष तौर पर, परोक्ष तौर पर तो था आपका। हाँ तो था, तो हमने हराया, नूरपुर में भी हराया और कैराना में भी हराया, और ये कहना चाहता हूँ मैं, अभी उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी का, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, उत्तर राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का 8% से लेकर 23% तक वोट परसेंट है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन की धुरी बनने वाली है। हम विपक्ष के तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग सम्मानजनक तरीके से बहुजन समाज पार्टी को, जो वाकई में जिनका कैंडिडेट जीता है तो उस पार्टी के पास भी आएंगे। रोहित जी बताइए, पहले तो एक सीट ऐसी जो काफी महत्वपूर्ण सीट थी आप जीते हैं जी, तो ये क्या लगता है आपको, किसकी वजह से जीते हैं, क्या राहुल गांधी की वजह से, क्या मायावती की वजह से, या अखिलेश यादव की वजह से, या चौधरी अजीत सिंह की वजह से? देखिए प्रीति जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जीत हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जुमलेबाजी कर करके, जिस तरीके से झूठे वादे जनता के साथ करके, जिस तरीके से इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, इन्होंने बात कही थी कि साहब 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल, लेकिन उसके बारे में आज ये बात नहीं करते हैं। जब युवा रोजगार मांगता है तो ये कहते हैं साहब पंचर बना लो, पान की दुकान खोल लो, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं पकौड़ा तल लो। तो ये जो इनकी जो करनी है, कल लखनऊ के अंदर इन्होंने छात्रों के ऊपर लाठी भाजी है, तो जनता ने इनको इसलिए मैंडेट नहीं दिया था 2017 में, 325 सीटें नहीं दी थी कि आप छात्रों को जब मांगे वो तो आप लाठी भाजी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा प्रीति जी, यहाँ पे एक संयुक्त विपक्ष एकजुट हुआ था, जहाँ पे राहुल गांधी जी का भी नेतृत्व था, वहां पे अखिलेश यादव जी का भी नेतृत्व था, बहन जी का भी नेतृत्व था, और जयंत चौधरी जी तो खुद वहां पे क्षेत्र में घर घर जाके जिन्होंने काम किया था और वोट मांगा था। पुनर्जीवी हुई है इस नतीजे के बाद आरएलडी, जो कि यहाँ पर काफी बुरी स्थिति में थी, क्या हम कहें कि संजीवनी मिल गई है इस विपक्ष के गठजोड़ से आपको? देखिए प्रीति जी, इसको पुनर्जीवन या ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आरएलडी कभी खत्म नहीं हुई थी, आरएलडी निरंतर प्रयास कर रही थी और जनता की सेवा कर रही थी। हमने किसानों के मुद्दों को उठाते हुए विधानसभा से लेकर रोड तक हर जगह पे हमने संघर्ष किया है। रोहित जी, सवाल तब उठते हैं कि अगर आप इतने कद्दावर नेता आपकी पार्टी में है तो उम्मीदवार तो एक ढूंढ लेते हैं आप? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है प्रीति जी, आज हम जीत चुके हैं, ठीक है ना, और ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, गठबंधन की स्ट्रैटेजी थी कि हमें किसको कैंडिडेट उतारना है। भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं बताएगी कि आप किसको कैंडिडेट के रूप में उतारिए, आप किसके सिंबल पे लड़िए, ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो कि जिसका नतीजा आ चुका है। आज ये सब कहना बेमानी है कि वहां पे कैंडिडेट किसका था, ये कहना बेमानी है कि वहां अखिलेश यादव क्यों नहीं गए, ये सब बेमानी है, क्योंकि आज हम जीत चुके हैं और विपक्ष की करारी हार हुई है। विपक्ष को जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, मैं जाना, ठीक है सत्ता को। अशोक सिन्हा जी, मैं आपके पास आऊंगी, जो यहाँ पर 2019 से पहले उपचुनाव हुए हैं, बहुत जोश में बीजेपी अब भी है, उसे लगता है कि 19 में भी हम कमाल कर देंगे, क्या ये नतीजे वाकई में एक उपचुनाव के तौर पर ही देखें, या बीजेपी को सोचने की, रुककर मंथन करने की जरूरत है, या जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि अलग मुद्दे होते हैं, या कोई इससे घबराने की बात नहीं है, क्या बीजेपी खुद को धोखा दे रही है? मुझे आपने संघ विचारक के नाते बुलाया है, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जीतने वाले भी संघ के हैं और हारने वाले भी संघ के हैं।
संघ समाज में संगठन नहीं करता, समाज का संगठन करता है, इसलिए जीतने वाले भी हमारे हैं और हारने वाले भी हमारे हैं। परंतु मैं स्वयंसेवक के नाते एक हमें अधिकार मिला हुआ संविधान में कि हम वोट डालें और राजनीतिक चिंतन रखें, उस नाते मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। ये जो बीजेपी हराओ का नारा दिया गया है, मेरा एक अनुरोध है कि बीजेपी हराइए परंतु भारत को मत हराइए, भारत को जिताइए। सोच ऐसी होनी चाहिए, कार्य ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में जाए, जनता को दिखाई पड़े। भाजपा को इस बात पे मंथन करना पड़ेगा कि वो 5 साल के लिए चुने गए थे, 10 साल के लिए नहीं। बिल्कुल, इसलिए उनको काम ऐसे करने चाहिए जो 5 साल में पूरे हो जाए और जनता को मौके पर दिखाई पड़े। मैं एक उदाहरण देता हूँ, 73 MP उत्तर प्रदेश में दिए और 42% वोट उत्तर प्रदेश से पड़ा, परंतु आज उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ा उद्योग 4 साल हो गए लगा नहीं। बिल्कुल, क्या जनता ये देख नहीं रही है? कौन सा ब्यूरोक्रेट ऐसा था इनके नवरत्न कंपनियों का जिसने कि एक नया पैसा घटाया? क्या उसका सस्पेंशन नहीं होना चाहिए? क्या एक नया पैसा बढ़ाना ये मजाक नहीं है? आप बताइए, 9 महीने से मनरेगा का वेतन जो मजदूरी है वो नहीं मिल रही है गांव में। हाँ। निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हुआ है गांव में और गेहूं खरीद बहुत बढ़ी है, परंतु जनता को वो कार्य, जनता के वो कार्य होने चाहिए जो उसे दिखाई पड़े, जो उसको उसको सामने आए उसके। तो एक बार मंथन करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि एक तो कार्यकर्ता बहुत नाराज है, भारतीय जनता पार्टी ये देख ले कि आप काम चलाओ मंत्रियों से और काम चलाओ संगठन के लोगों से, काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, आप कार्यकर्ताओं के कार्य को करिए। कार्यकर्ता के बिना आप अगर चाहते हैं कि चुनाव लड़ लें और जनता जिता देगी तो कार्यकर्ता का बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल, पहली बार जनता समाज में घूम के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब आप एक कार्यकाल बिना किसी अवरोध के पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गठबंधन में है, कोई मजबूरियां आपकी हैं, तो उसके बाद फिर कोई तर्क नहीं बचता। अगर जनता कोई सवाल पूछती है तो क्या बीजेपी अब भी ये कहकर बचेगी? अगर ऐसा करती है तो खुद का ही नुकसान करेगी। प्रमोद जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी कि जो नतीजे हैं वाकई में ये किस दिशा में राजनीति को ले जाते हुए हमें दिखाते हैं। क्या ये गठबंधन जो भी एकजुट नजर आ रहा है 2019 तक रहेगा, और रहेगा तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिएगा फूल। तो आज एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट जो बीजेपी के हाथ से निकल गई, दोनों ही सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट थे और उन्हीं के परिवारों को लोगों को खड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद जो महागठबंधन की ताकत थी उसने बीजेपी को पस्त कर दिया। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ, हम स्टूडियो का रुख करेंगे, प्रमोद जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो प्रमोद जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, जो आज ये नतीजे आए हैं, महज इसे हार या जीत के तौर पर देखें या फिर काफी कुछ कहते हैं नतीजे, चाहे गठबंधन के भविष्य को लेकर बात करें या बदलते समीकरणों की बात करें? प्रीति जी, इसमें ये बदलते समीकरण हैं और जो भाजपा की ये कहने में कोई दो राय नहीं कि भाजपा का जो दंभ है जी, वो चकनाचूर हुआ है, एक बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, अभी जैसा कि हमारे संघ विचारक सिन्हा साहब, अशोक सिन्हा जी ने भी एक बात कही और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि किसी भी दल का रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होता है। स्थिति यह है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री सारे के सारे जो है वो उपेक्षा के शिकार हैं। ये सरकार अधिकारियों के बूते पर चल रही है और ये उसका दुष्परिणाम जो सामने बीजेपी के आया है वो सीधा सीधा है। एक चीज अभी विनोद सोनकर साहब ने बात कही कि उपचुनाव को जी वो सीएम से बदलने के रूप में या पीएम से बदलने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, तो मैं सोनकर साहब से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि गोरखपुर जहां 5 बार आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, उसकी अपनी सीट, वो पराजय, उप मुख्यमंत्री फूलपुर की पराजय एक चीज, दूसरी पूर्वांचल की पराजय, तीसरी पश्चिमांचल में आ जाइए तो पश्चिमांचल में भी दोनों सीटें गईं। बिल्कुल, तो अगर इसको भी अगर आप हल्के ढंग से ले रहे हैं सोनकर साहब, मैं समझता हूं कि शायद ये पार्टी का दुर्भाग्य होगा कि इतनी बड़ी पराजय को आप ये इन चुनावों को आप उपचुनाव के रूप में देख रहे हैं, इनके संकेतों को आप नहीं दिखाई दे रहा है कि संकेत क्या है? अगर ये संकेत नहीं समझ में आ रहे हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि शायद विनाश काले विपरीत बुद्धि की बात। बिल्कुल, प्रमोद जी एक बात और समझना चाहेंगे यहाँ, क्योंकि
वोटों के ध्रुवीकरण का काम भी हुआ। अगर मुख्यमंत्री का भाषण आपने सुना हो तो वहां पर गौरव और सचिन की शहादत को याद किया जाता है और ये कहा जाता है कि ठीक है गन्ना किसानों मुद्दा है लेकिन जिन्ना की तस्वीर नहीं लगेगी। तो क्या एक कोशिश हुई थी दोनों तरफ से पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की? तो ये बताती है कि ध्रुवीकरण नहीं हो सकता या फिर ऐसा ध्रुवीकरण हुआ कि सारा वोट उधर को चला गया? देखिए प्रीति जी, ये उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को मतलब जो मेरा 30-35 वर्ष के पत्रकारिता का अनुभव है, ये पिछले 2-2.5 दशकों में उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत आधार पर कबीलों में बटी हुई है। हाँ। कि ये इनका कबीला है, ये उनका कबीला है, ये मेरा कबीला है, ये तेरा कबीला है। तो यहाँ की राजनीति को ध्रुवीकरण के रूप में आप मत देखिए। अब स्थिति ये है कि ये जो गठबंधन बन गया है तो जो वोटों का बिखराव था कि इस कबीले का वोट इसको गया, उस कबीले का वोट इसको गया, अब स्थिति है कि वो सारे कबीलों का वोट एक तरफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ गई है। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद दिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर ये जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, जरूर ये ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, क्या एक उद्योग लगा? मतलब 73 जिस प्रदेश के 73 सांसद हो, जिसके बूते पर केंद्र की सरकार हो, उस प्रदेश में एक उद्योग नहीं लगा, खाली सबमिट कर दी गई। और ये बयान आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं कि वो अब वो वहां से 10 खरब आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, 20 करोड़ आ रहा है, ये उद्योगपति आ रहा है, वो उद्योगपति आ रहे हैं। अभी तक जमीन पर कुछ नहीं आया है, खाली हवा हवाई तना हुआ है। इन्वेस्टर्स समिट में आपने बिल्कुल प्रमोद जी, इन्वेस्टर्स समिट में कितना खर्च किया गया, जो उद्योगपति आए, जो तस्वीर दिखाई गई, लेकिन हकीकत में जो जनता वहां रह रही है वो जान जाती है कि क्या हो रहा है। विनोद जी, यहाँ पर एक तरफ जी 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 प्रमोद जी पूरी कीजिए। एक बात दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बराबर कहते चले आ रहे थे शुरू से, जब सरकार बनी उसके बाद जब एक चीज आई तो उन्होंने खुद अपने कहा कि हम 4 साल विकास करेंगे और 1 साल चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो मुझे लगता है कि 4 साल उन्होंने चुनाव लड़ने, चुनाव की रणनीति बनाने में खत्म कर दिए। कथनी और करनी में हमेशा विभेद दिखाई दे रहा है। हाँ। नंबर एक, अभी भी भाजपा के पास वक्त है, ऐसा नहीं है गठबंधन अपनी जगह पर है। अगर भाजपा अपनी मतलब जो उसकी एक थीम है चाल चरित्र और चलन, हाँ। ये पूरी तरीके से बदले हुए हैं, अगर चाल चरित्र और चलन को ये ठीक कर लें तो शायद कुछ गुंजाइश बन जाए। बिल्कुल विनोद जी, एक तरफ तो जो आपके सामने खड़ा विपक्ष वो एकजुट हो रहा है, धुर विरोधी थे वो आज आपस में एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं, वही आपके अपने रूट रहे हैं। केसी त्यागी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, उनका बयान क्या है? उद्धव ठाकरे वहां कहते हैं कि आपको अपने सहयोगियों की परवाह नहीं है। तो क्या यहां पर आप मजबूती के बजाय, एक तो आपके काम को जनता खारिज कर रही, दूसरा आपके सहयोगी आपसे नाराज है, तो कैसे जीतेंगे? उन्नीस साहब देखिए, जिस महागठबंधन की बात कर रहे हैं, इस देश ने 1977 से लेके अब तक कई महागठबंधन देखे और जिस महागठबंधन के पास न नेता हो, न नीति हो, न नियत हो, वो गठबंधन चलता जीत रहा है। सोचिए जीत रहा है ना? एक बार नहीं, 2-3 बार 1977 से लेकर नहीं। देखिए, ये अभी उपचुनाव है, जीतना एक अलग विषय है। इनके यहाँ ना तो नेता है, ना नीति है। ठीक है, आपके यहाँ नेता है ना, तो बताइए जेडीएस क्यों नाराज हो रही है आपसे, उद्धव ठाकरे क्यों नाराज हो रहे हैं आपसे? आपके यहाँ तो नेता है ना, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे उसमें? ठीक, नहीं होना चाहिए था ना उनको? ठीक ठीक। हाँ विनोद जी, देखिए मैं शांति से सबकी बात सुना हूँ, अच्छा होगा कि बेहतर होगा लोग सुने जी। ये 1977 से लेके अब तक इस देश ने कई महागठबंधन देखे, लेकिन ये महागठबंधन कोई चला नहीं, क्योंकि ये लड़ते तो हैं लेकिन बाद में कुर्सी के लिए जिस तरह से बवाल करते हैं देश ने देखा है। कर्नाटक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, भी आप देख लीजिए। और जैसे बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ साथी कह रहे थे, भैया दलित आपका साथ छोड़ चुका है। चलिए उनको छोड़े ना, मैंने सवाल आपकी पार्टी को लेकर पूछा था विनोद जी, उसका जवाब दे दीजिए मुझे। मैंने सवाल ये पूछा कि आपसे आपके घटक दल नाराज हैं, तो आप इनकी कमियां गिनाते गिनाते अपनी कमियों पर तो ध्यान दीजिए। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आप सहयोगियों को भूल रहे हैं, उधर केसी त्यागी नाराज है, कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर सहयोगियों का ख्याल नहीं रखती, तो उनको तो संभालिए। हाँ,
ठीक है शिवस, लेकिन ये बात ठीक है उद्धव जी महाराष्ट्र के चुनाव से ही नाराज है, लेकिन हम देश चलाने के लिए किसी से कुर्सी के लिए समझौता नहीं करेंगे जैसा कि ये करते हैं। ठीक है गठबंधन से बात करना, नेताओं को संतुष्ट करना एक विषय हो सकता है, लेकिन केवल कुर्सी के लिए हम अपनी विनोद जी कितने सांसद आपके हैं जो मुखर होने लगे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं ना सौदा। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सावित्री बाई फुले हैं, लेकिन आप चुपचाप सुन रहे हैं, उनको बुलाते हैं मनाते हैं तो कुर्सी के लिए तो हर कोई समझौता कर रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको कुर्सी का मोह नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं ऐसा है कि जो हमारे सांसद नाराज हैं उनके पीछे क्या कहानी है आपको भी मालूम है। जिन लोगों को लगता है कि अब आने वाले समय में जिन्होंने 4 साल काम नहीं किया जिनका टिकट कटना है ऐसे लोग अब मुखर होंगे, लेकिन हम अपने नीति से कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है राजपाल जी, अब आपके पास आती हूँ क्योंकि 2017 में आप कांग्रेस के साथ हुए थे लेकिन नतीजा आपने देखा और उसके बाद अब जो तमाम दल हैं वो आपके एक साथ जुटे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि 19 तक, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, सबके अपने अपने इच्छा होंगे, विचार होंगे, तो आप लोग अपने गठबंधन को मजबूती से आगे रख पाएंगे? इससे पूछ लीजिए इस महागठबंधन का नेता कौन है। ठीक है राजपाल जी, बिल्कुल ठीक है राजपाल जी, मैं उसी सवाल की तरफ जा रही हूँ, तो क्या ये गठबंधन चल पाएगा क्योंकि राहुल गांधी का नाम खुलकर सामने आता है, तो ऐसे में क्या वहां पर टकराव नहीं होगा जिस कुर्सी के लिए आप सब लोग मिल रहे हैं? देखिए प्रीति जी, ये जनता का गठबंधन है और जैसा विनोद सोनकर जी पूछ रहे हैं इसका नेता कौन होगा, इसकी नेता जनता होगी और जनता लीड कर रही है, जनता हरा रही है। कुर्सी पर तो एक ही नेता बैठेगा ना अगर जीत जाते हैं 2019 तो। कुर्सी पे नेता प्रीति जी कई बार देश में ऐसे बगैर उसके, योगी जी को कहां नेतृत्व दिया गया था, मुख्यमंत्री बन गए योगी जी तो मुख्यमंत्री बन गए यहाँ उत्तर प्रदेश में, उनके नेतृत्व में तो चुनाव हुआ नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये बाद में बैठ के दल अपना चयन कर लेंगे कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा और किसकी क्या कितनी सीटें आती हैं, लेकिन क्या आता है। लेकिन बीजेपी ने, बीजेपी में किसी ने नहीं कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ तो महागठबंधन बनने से पहले राहुल गांधी कह रहे हम नेता है, ममता जी कह रहे हम नेता है, यहाँ पर वो जवाब देंगे ओंकारनाथ जी हैं। ठीक है राजपाल जी, प्रीति जी विनोद जी के पेट में पीड़ा क्यों हो रही है, ये 47 पार्टियों से गठबंधन इन्होंने कर लिया तब, और इनके लोग छोड़ छोड़ के डूबता जहाज समझ के, बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनके नेता इनको नेता मानने को नहीं तैयार, ये अपने जो रीढ़ है इनका आरएसएस रीढ़ है उनकी बात मानने को नहीं तैयार, हमारे सिन्हा जी ने अभी बताया उनकी भी बात मानने को नहीं तैयार, बीजेपी किस घमंड में है पता नहीं, किस घमंड में आ गई बीजेपी, बीजेपी को जनता ने, बीजेपी ने जनता जनता को जो झूठे सपने दिखाए थे क्योंकि पूर्ण बहुमत की जनता जी के साथ खड़ी होती है और ये नाच घमंड तो होता ही है। कुछ भ्रम बीजेपी को हो गया है, गांव गांव लोग याद कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, उनके काम को याद कर रहे हैं, हाँ बीजेपी के कारनामे को याद कर रहे हैं, कौन सी बलात्कार रुक गया, कौन सी हत्याएं लूट गई रुक गई, कौन सी लूट रुक गई और कौन से अस्पताल। बिल्कुल राजपाल जी, जो आपके राज से कायम थी ना वो चीज चलती रही रुकी नहीं, ये बात ठीक कही आपने, जो आपके सरकार में रहते चीजें चल रही थी वो चलती रही कानून व्यवस्था की जो बुरी स्थिति थी वो चलती रही। ठीक है प्रीति जी, एक चीज पूछ लीजिए, कोई 1-9 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना के बाबा ही लूट रहे हैं, 350 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे माननीय अखिलेश यादव जी ने बना दिया, 3 जगह मेट्रो चला दी प्रधानमंत्री, अहमदाबाद में मेट्रो नहीं चला पाए, तो यही बात है कि जहां आप अपने नेता को थोड़ा सा भी कम आंकना नहीं चाहते, क्या 19 में आप बड़ी कुर्बानी दे देंगे ओंकारनाथ जी, जब राहुल गांधी भी कहते हैं। ठीक है प्रीति जी, मेरे नेता ने सदैव कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। तो ये मिशन क्या है, बीजेपी को हटाना है या फिर देश का ख्याल रखना है ओंकारनाथ जी, और जबकि राहुल गांधी खुद एक इच्छा से जता चुके हैं, तो क्या लगता है अगर जीत शिखर का मिशन देश चलाना नहीं है, ठीक है
ठीक है, मिशन केवल और केवल बीजेपी को हटाना, ठीक है, उनका नाजी कर्नाटक में, ठीक है, एक ठीक है, इनके इनके एजेंडे में देश नहीं है, ठीक है, आपके एजेंडे में है, आपके एजेंडे में देश नहीं है, आपको आपका एजेंडा अगर है कहीं नहीं है, आपके एजेंडे में खुद के गिरबा में भी झांके, इतने राष्ट्रवादी पार्टी के आप हैं, इतना आप काम कर रहे हैं, तो जनता क्यों नहीं यहाँ पर स्वीकार रही है आपको? ओंकार नाथ जी, ठीक है, ओंकार नाथ जी, ऐसे में जबकि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर बात है, इच्छा भी जाहिर कर चुके, क्या लगता है इतनी आसानी से बात बन जाएगी? कर्नाटक में सरकार आपकी बनी है, वहां बड़े निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आप, तो क्या 19 के शिखर में पहुंचकर ऐसा लगता है कि वहां जाकर फिर कोई बिखराव हो जाएगा? कोई बिखराव नहीं होगा। विनोद जी की बात सुनकर मुझको आश्चर्य भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी। विनोद जी ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए कुछ बातें हैं। आपने कहा दलित इनके साथ नहीं है, दलित साथ छोड़ गए, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मित्र जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, तो मेरी सुन लीजिए थोड़ी। तो आपको तो और चिंतन करना चाहिए कि जब दलित आपके साथ है, इसके बाद भी चुनाव में आप हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है ना। और आप अपने सांसदों को खुलेआम कह रहे हैं कि वो सांसद नाराज है जिनका टिकट कटने वाला है, सांसद का टिकट कटने वाला है कि उन्होंने काम नहीं किया। काम उन्होंने इसलिए नहीं किया कि पैसा रुके, एक पैसा पेट्रोल का दाम आप कम कर रहे हैं, गलती सांसद की है। आदर्श गांव आपने सांसदों को दे दिए, कोई आपने बजट नहीं दिया, वो बनावे जहां बनाना है, गलती उनकी है। तो आप इस तरह के काम कर रहे हैं, आप गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं, किसान नाराज है, जनता नाराज है, गलती उनकी है कि वो क्यों नहीं मना रहे कि बिना पैसा लिए हुए तुम गन्ना देते जाओ और बोते जाओ और भूखों मरते जाओ, वो समझा नहीं पा रहे, गलती है उनकी। सही बात आप कह रहे हैं। आप जो है 436 रुपया आपने एक किलो वाट की बिजली बढ़ा दी, 300 रुपया था अब 436 कर दिया, और जनता परेशान है, गलती है सांसद महोदय की। तो आप कम से कम सोचिए, जो काम आप कर रहे हैं वो काम कहाँ ले जा रहा है आपको, और आप जो है बिला मतलब गठबंधन का नेता कौन होगा, वहां कौन होगा? ये अब रही बात आपने कहा राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि अगर लोग चाहेंगे तो, और जब कर्नाटक में हम क्या कहते हैं हमारी सरकार बन गई है, और राहुल जी ने तब क्या कहा था उसको सुन लीजिए, कि हम एक रहेंगे उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े। तो ये सब छोड़िए, बेमानी की चीजें हैं, कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा समय बताएगा। ठीक है, विपक्ष तो, एक है, उसका मुद्दा है देश बचाओ, और देश तभी बचेगा जब भाजपा की सरकार हटेगी। ठीक है, और यहाँ पर बीएसपी की अगर बात करें, सत्यपाल जी पिछले लोकसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन था बीएसपी का आपको भी पता है, तो क्या लगता है कि गठबंधन के सहारे सहारे कहीं आपकी नैया भी आगे बढ़ जाएगी धीरे धीरे? 21% वोट मिला था पिछली बार भी, और सीटें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और कर्नाटक में हम 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, एक हमारा एमएलए वहां पे जीता है, हम गठबंधन के साथी हैं वहां पे। और आपने बेंगलुरु के शपथ ग्रहण समारोह में देखा होगा महागठबंधन के कोई नेता देश का ऐसा नहीं था जो बहन जी के अगुवाई में उनके स्वागत में खड़ा नहीं था, क्योंकि सबको मालूम है कि उत्तर भारत में यदि कोई बड़ी ताकत है तो बहुजन समाज पार्टी है, और उसके पास जो लामबंद वोट है, जो ट्रांसफर कराने की हैसियत है बहन कुमारी मायावती जी में, वो किसी दूसरे नेता पे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी इसलिए डरी हुई है कि ये बसपा का वोट बैंक किसी भी तरीके से किसी भी लालच में और किसी भी सूरत में टूटने वाला नहीं। लगता है कि दलित आपका है, दलित हमारे साथ है। दूसरी बात बड़ी है, आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल पर डिबेट थी, उसमें कहा कि राहुल गांधी जी ने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया है, और यदि देश की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी को और सांप्रदायिक ताकतों को इस देश से हटाने की बात आएगी, तो हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मेरा यह मानना है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी और राजनीतिक आदमी व्यक्ति होने के तौर पर भी, यदि राहुल गांधी जी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया और ये बयान दे दिया कि चुनाव के बाद में हम नेता तय करेंगे, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को गाली देने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा, और यदि आदमी नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी, जिस कांग्रेस विरोध के नाम पर वो 4 साल से राजनीति करते चले आ रहे हैं, उनके अलावा और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। ठीक है रोहित जी, अगर हम चौधरी अजीत सिंह की बात करें तो शायद कोई ऐसा दल बचा नहीं वो जहां से होकर जिसमें शामिल होकर बाहर ना आए हो, और अब आप गठबंधन में जाने की यहां पर बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो ये चुनाव के नतीजे हैं वो कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, और उसके बाद आप इस स्थिति में होंगे कि गठबंधन के अंदर अपनी बात मनवा सकें, अपने फैसले ले सकें?
देखिए प्रीति जी, पहले तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि देखिए जहां पे हमारी सरकार नहीं बन सकती थी, हमारे पास अगर जनता का मैंडेट कम था, कम विधायक हुआ करते थे, तो उस कंडीशन में अगर जनता की सेवा करनी है तो हमें किसी ना किसी का साथ हमें पकड़ना पड़ता था, और कहीं ना कहीं अगर समान विचारधारा के थ्रू एक सम्मानजनक तरीके से अगर कोई दल हमें लेता था, विचारधारा पर सरकार बनाते थे। सवाल ये है कि वो विचारधारा आपको अच्छी लगती है, फिर उसके बिल्कुल विपरीत आप चले आते हैं, तो ये विचारधारा जो है बड़ी जल्दी बदलती है। हमने कभी भी किसी के साथ समझौता नहीं किया, हमने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। हमारा एक मुद्दा रहता था किसान हित, और किसान हित के अंदर चौधरी अजीत सिंह जी ने कई बार सरकार के अंदर से इस्तीफा भी दिया है, ये जग जाहिर है। तो हमने कभी भी किसान हित को पीछे नहीं रखा है, और किसान हित के लिए ही हमने काम किया है। मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि वो अपनी चिंता कर ले, क्योंकि 2019 करीब है और उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जैसा कि विनोद भाई कह रहे थे कि उपचुनाव मुख्यमंत्री नहीं बनाता, प्रधानमंत्री नहीं बनाता, मैं मानता हूं विनोद भाई उपचुनाव प्रधानमंत्री नहीं बनाता, मुख्यमंत्री नहीं बनाता, लेकिन उपचुनाव आपका रिपोर्ट कार्ड जो आपने अभी तक काम किया है वो आपको जरूर दिखाता है। और जब अगर आप अपने रिपोर्ट कार्ड में बार बार फेल हो रहे हैं तो आपको चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, ना कि खाली विपक्ष से ये पूछने की जरूरत है कि आपका नेता कौन होगा। मैं आपको बता दूं विनोद भाई, कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीए की जब सरकार बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, तब भी आपका नेता डिसाइडेड नहीं था कि नेता कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी खुल के कहती है कि हमारे यहाँ बाद में बताया जाएगा नेता कौन होगा। आप अपनी चिंता कर लीजिए, हमारी रणनीति हम खुद बना लेंगे, विपक्ष खुद बैठ के बना लेगा अपनी रणनीति, आप अपनी रणनीति बना लीजिए अभी। बिल्कुल विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में कहिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। संक्षेप में एक तो बहुजन समाज पार्टी के साथी से कहना चाहूंगा, जिस समाजवादियों ने बहन जी की इज्जत लूटने का, उनकी हत्या करने की कोशिश की, दूसरा सवाल एनडीए के किसी घटक में कभी पार्टनर ने ये नहीं कहा कि हम पीएम के कैंडिडेट हैं। ठीक है, चलिए कि हम पीएम के कैंडिडेट अशोक जी, हाँ ठीक है अशोक जी, क्योंकि इन चुनाव में हमने देखा कि ध्रुवीकरण का भी प्रयास हुआ है, तो क्या लगता है वो सरकार जो कहती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, कार्यकाल पूरा होने को है, मंदिर नहीं बना, और ध्रुवीकरण का प्रयास करके भी देख लिया, वो भी कामयाब नहीं हुआ, तो बीजेपी को समझना होगा कि यहां जो तरीका है वो बदलना है। आप जनता को पहली बार में तो आप अपने दावों के झांसे में ले सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। जी अशोक जी, आपसे सवाल। जी मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो गठजोड़ जीता है, हाँ, ये ब्रेकिंग इंडिया समूह है, और ये इनसे कुछ देश का भला नहीं होने वाला है। अब तक की जो 70 सालों में सबसे अच्छी सरकार रही है वो इस समय काम कर रही है, काम के मामले में कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु जनता को ये जवाब चाहिए कि काम बिल्कुल सबसे बढ़िया सरकार जो चल रही है, परंतु इसमें जो ढीले ढाले लोग हैं जो मोदी और योगी के पीछे छिप करके अपना हित साध रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा उनके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये बड़े खुश हो गए थे हमारे प्रवक्ता सपा के और कांग्रेस ओंकारनाथ सिंह जी कि संघ में सीधे सीधे देशहित की बात की जाती है, और देशहित की दृष्टि से यह माना जा रहा है कि ये सरकार सबसे अच्छी चल रही है भाजपा की, इसमें अच्छे लोग हैं, और ये ब्रेकिंग ब्रेकिंग इंडिया ग्रुप है, ये इनके जीत जाने से कोई देश का भला नहीं होने वाला, और कहराना का भी कोई भला होने वाला नहीं। आप देख लीजिएगा ये एक भाजपा हराओ गठबंधन है, ये कोई देश जिताओ गठबंधन नहीं है, तो ये तो सीधी सीधी सी बात है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, हुई है, तो परंतु हारना नहीं चाहिए, हार खुद भी हो हार बर्दाश्त नहीं करना। अशोक जी, सवाल यह है कि जनता ने तो परेशान होकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया था ना, तो बीजेपी भी कहां साबित कर पाई। आप देख लीजिए 2017 से लेकर अब तक 37 उपचुनाव हुए हैं जिसमें से 31 हारी है बीजेपी, तो क्या इस आंकड़े को भी हम दरकिनार कर दे, बीजेपी इस खुशफहमी में रहे कि हम तो जीत रहे हैं। कुछ कहना चाहूंगा, नहीं अगर आप कराना देखते तो आप पाएंगे कि भाजपा का जो वोट परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ है, परंतु जो विपक्ष में थे लोग
उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल वोटिंग की है। इसमें देखिए आप आरएलडी ने जान लगा दिया उनके जिला प्रवाह निवेदन किया है। बहुत अच्छी प्रैक्टिकल वोटिंग की है निश्चित रूप से। अच्छा जहां जहां बेतरफा चुनाव होता है जब दो लोग लड़ते हैं तो उसमें भाजपा के ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए उनका नाथ जी फिर मैं प्रमोद जी के पास जी। आपने एक बात कही कि गठबंधन की जीत जो है वह देश को तोड़ने वाली है। आपका भी तो दल गठबंधन में ही है। हमें पहला आपका संकेत बहुत अच्छा लगा था कि संघ जो है वो किसी के साथ जुड़ा नहीं है और सबका जो जीता है वो भी उसका है, जो हारा है वो भी उसका है। और अब की आपने एक बदल दिया। मैं आपसे दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। क्या देश इससे जुड़ेगा कि देश की जनता को आप भ्रमित करें और कहें कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य का दो गुना आपको देंगे किसान को? कैसे आप देंगे? आपने झूठ नहीं बोला देश के सामने। आपने देश के सामने झूठ बोला कि जब तक कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर 10% से ऊपर ना हो आप दे ही नहीं सकते। आपकी वार्षिक दर जो है वो 1.9% है। जनता भी समझ रही है ना, मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं बना सकते ना आप, बना सकते ना बीजेपी कोई नहीं। प्रमोद जी ठीक है, मैं प्रमोद जी के पास जाऊंगी। देखिए यहाँ पे देश को आप गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, कौन देश को कर रहा है, कौन जनता को कर रहा है, फाइनली नतीजे बता रहे हैं यहाँ पर विनोद। प्रधानमंत्री जी डेढ़ गुना देने नहीं प्रधानमंत्री जी डेढ़ गुना देने की बात की है उसकी पूरी तैयारी है। कहाँ गया 14 दिन लगता हुए नहीं अभी। ठीक है प्रमोद जी, हाँ ठीक है मैं प्रमोद जी के पास जाऊंगी। नहीं नहीं, हाँ बसपा के जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कर रहे हैं बसपा को मिल गया फल, सत्ता से बाहर कर दिया। ठीक है प्रमोद जी मैं जानना चाहूंगी क्योंकि अगर इन चुनाव में हम बात करें तो ये किसकी हार है? अगर हम देखें क्या ऐसे मुख्यमंत्री की हार गए जिनके कार्यकाल को लगभग साल भर हुआ है, या फिर प्रधानमंत्री की जिन्होंने 4 साल पूरे कर लिए हैं और अगले साल चुनाव होने हैं, तो इस हार के लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएं, किसकी हार इसे माने? देखिए प्रीति जी ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ये भाजपा की नीतियों की हार है। भाजपा ने जो वादे किए वो पूरे नहीं है, ये उसकी वजह से हार है। भाजपा की कथनी और करनी के फर्क का कारण है ये, कार्यकर्ताओं की और उपेक्षा का कारण है। तो ये एक कारण नहीं है भाजपा की हार का, उसके तमाम कारण है नंबर एक। दूसरी बात, अभी जो सोनकर साहब ने एक बात बहुत सही कही है और मैं इस बात से सहमत हूँ, ये बात अपनी जगह ठीक है। राज्यपाल जी ने कहा कि नेता हम अपने बाद में चुन लेंगे, लेकिन अभी तक का खाली अटल बिहारी वाजपेयी जी की गठबंधन की सरकार का एक अपवाद छोड़ दें, तो जो भी गठबंधन की सरकारें विपक्ष ने बनी है वो स्थायित्व नहीं दे पाई हैं। नेता तो चुन लिए गए, प्रधानमंत्री चुन लिए गए, उस पर तो सहमति बन गई, लेकिन वो ज्यादा नहीं चल पाई। चाहे मोरारजी देसाई का रहा हो, चाहे चौधरी चरण सिंह का रहा हो, चाहे बीपी सिंह का रहा हो, चाहे चंद्रशेखर का रहा हो, ऐसे इतने कई उदाहरण हैं जो भी ये बने हैं। तो ये बात तो सोनकर जी सही कह रहे हैं कि नेता इनके लिए चुनाव तो ही जीत जाएंगे, भाजपा को किनारे कर लेंगे। आज की जो परिस्थितियां बता रही हैं, आगे क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो यही संकेत दे रही हैं कि भाजपा को वो किनारे कर लेंगे, लेकिन नेता भी वो चुन लेंगे। सवाल ये उठेगा कि ये गठबंधन विपक्ष का ये इतिहास रहा है कि ये पूरे 5 साल शासन में नहीं रह पाया है। मुझे याद है 77 के बाद जब ये चुनाव बनी थी, जब ये सरकार जनता दल की जनता पार्टी की बनी थी, तो गांधी जी की मूर्ति पर जाके सारे विपक्षी दलों ने सौगंध खाई थी कि हम 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है, ये बात भी सच है। यूपीए की सरकार 10 साल चली, वो भी गठबंधन की सरकार थी। यूपीए की सरकार चली, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्ष रहे, ऐसा नहीं है। गठबंधन बनी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का इतिहास है, वो किसी गैर कांग्रेसी को सत्ता में नहीं रहने देंगे। फर्क है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं भाई, इसके लिए आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? प्रमोद जी ठीक है, आप भी आ जाइए हमारे यहाँ। नहीं नहीं, अरे इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, किसी गैर कांग्रेसी सरकार को आपने चलने नहीं दिया। इतिहास को इस बात को याद रखना चाहिए। ठीक है
प्रमोद जी, तो यहाँ पर क्या तभी आप वहाँ पहुंचे हैं, ये एक साल जो बचा है क्या कुछ सुधार हो सकता है, क्या कोई डैमेज कंट्रोल हो सकता है, या फिर लगता है कि बात हाथ से निकल गई है और ये डिपेंड करेगा कि गठबंधन जो सामने खड़ा है वो कितना कमजोर होता है? अगर अगर प्रीति जी इन चार उपचुनाव के संकेत पूरब से लेकर पश्चिम तक के देखे जाए जी, तो वो संकेत तो यही दे रहे हैं कि इसका अब ये उपचार लाइलाज हो गया है, उपचार का वक्त निकल चुका है। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि डैमेज जितना ज्यादा हो रहा उस डैमेज को कितना कम कर पाते हैं, इस पर तो बीजेपी मंथन कर सकती है, लेकिन अब नुकसान तो हो चुका है क्योंकि कार्यकर्ता उनका उपेक्षित है, जनता पूरी तरीके से अपने को ठगा महसूस कर रही है हर स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर, और मतलब सर उत्तर प्रदेश की सरकार को भी एक साल हो गए हैं। आज तो सोनकर साहब ने एक और ऐलान कर दिया कि कई एमपीज के टिकट कटने जा रहे हैं, इसलिए वो लोग नाराज हैं। अब कल से ये तंग होगी, ठीक है, अभी आप देखिए क्या होता है। अभी हाँ, तो आप महागठबंधन बना रहे हैं, बता दीजिए कौन कौन कट रहा है ताकि बाकी जो नाम हल्ला करने वाले हो, बिल्कुल तो हल्ला करने रहेंगे। उत्साह है और जो आपने कह दिया बड़ा खतरनाक काम किया है, की गर्मजोशी है आपकी, ये 19 तक बनी रहती है, सिटिंग एमपी अभी संपर्क में है, ठीक है। तो जो ये जोश और जो आप लोग बीजेपी के अलावा दलों में जो एक खुशनुमा एक माहौल दिख रहा है, नापाक गठबंधन है, बनेगा ना इसको देश पसंद कर रहा है, ठीक है, बस इतना ही है। तो चलिए, 19 बहुत दूर नहीं है, 19 बहुत दूर नहीं है, तो क्या वाकई में 19 बहुत दूर नहीं है, तो क्या आपकी दोस्ती 19 तक चलती है? और बीजेपी भाजपा किसको नापसंद कर रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, 19 में है तो सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही।